बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक से वहां के हालात बिगड़ गए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी ढाका में हिंसा जारी है। इस हिंसा में अब तक 135 लोगों की मौत हो गई है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ढाका और दूसरे बांग्लादेशी शहरों में सड़कों पर घूमती दिखी। बांग्लादेश की सेना ने अस्थायी रूप से देश की सत्ता संभाली। उत्तरी बांग्लादेश के शेरपुर जिले में लाठी डंडे से लैस भीड़ ने जिला जेल में घुसकर 500 से ज्यादा कैदियों को छुड़ा लिया। इसमें कई खूंखार आतंकवादी भी शामिल हैं। प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के कई आतंकी भाग गए। ये आतंकी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसके चलते भारत में तनाव बढ़ सकता है। इस बीच सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। भागे आतंकी बंगाल, झारखंड और बिहार के रास्ते से देश में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा इलाके को संवेदनशील घोषित किया गया है। ये दोनों क्षेत्र झारखंड सीमा के बेहद नजदीक हैं। इस क्षेत्र में पहले से सैकड़ों बांग्लादेशी घुसपैठ कर बस चुके हैं। भारत सरकार ने आदेश दिया है कि बीएसएफ सभी सीमाओं पर निगरानी रखे।